फॉर एग्जाम फोर्टी सेवन नथिंग कुड टीच द फिजिशियन इन ए प्लेनर एंड मोर कन्सिंग मैनर देन द दब वॉट एजेंट मेडिसिन ही ऑट टू चूज इन ऑर्डर टू क्योर इन अ श्योर रैपिड एंड परमानेंट मैनर कन्फर्मेबली विद द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन नेचर किसी भी फिजिशियन को इससे ज्यादा सिंपल तरीके से इससे ज्यादा प्लेन मतलब क्लियर तरीके से और इससे ज़्यादा सर्टेन तरीके से जिसमें कोई डाउट ना हो नहीं सिखाया जा सकता है कि उसको श्योर sure, रैपिड और परमानेंट क्योर के लिए कैसा आर्टिफिशियल मोरबिफिक एजेंट मतलब कैसी मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए ये बिल्कुल सिंपल तरीका है जो एग्ज़ाम्पल्स दे रखे हैं कि एक डिज़ीज़ अगर सिमिलर है दूसरी डिजीज़ से तो वो क्योर कर देती है तो इससे ज्यादा सिंपल तरीके से किसी भी फिजिशियन को नहीं सिखाया जा सकता है अब देखते हैं फोर्टी एट 48 फोर्टी एट एफॉरिज्म नाइदर इन द कोर्स ऑफ नेचर एच एज वी सी फ्रॉम ऑल द अब एग्जाम्पल नॉर्ट बाई द फिजिशियंस आर्ट कैन एन एग्जिस्टिंग अफेक्शंस और मेलेडी इन एनी वन इंस्टेंस बी रिमूव बाई अ डिसिमिलर मोबिफिक एजेंट बी इट एवर ना तो इस प्रोसेस में ना तो मतलब नेचर कुछ काम कर सकता है ना ही फिजिशियन की आर्ट कुछ काम आ सकती है अगर क्योर के लिए डिसिमिलर मॉर्फिक एजेंट का यूज़ किया जा रहा है चाहे वो डिसिमिलर मॉर्फिक एजेंट कितना भी इस्ट्रॉन्ग क्यों ना हो बट सोलली बाई वन दैट इज़ सिमिलर इन सिम्टम एंड इन सम वॉट स्ट्रोंगर और क्योर तभी होगी जब सिमिलर uh, होगा सिम्टम में जो मेडिसिन दे रहे हैं और स्ट्रॉगर होगा अकॉर्डिंग टू इटर्नल रिवोकेबल लॉ ऑफ नेचर ये नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पे बेस है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर कैसा होता है इ रिवोकेबल होता है जो बार बार चेंज नहीं होता है विच हैज़ नॉट हिदर टू बीन रिकोगनाइज जिसको अभी तक रिकोगनाइज नहीं किया गया हुआ है और अच्छा डिसिमिलर जो मॉर्फिक एजेंट्स है इससे क्योर जो है किसी वन इंस्टेंस लिखा है ना इन एनी वन इंस्टेंस किसी भी एक एग्जाम्पल में भी ऐसी नहीं देखी गई है कि डिसिमिलर से कोई क्योर हुई हो तो क्योर uh, होने के लिए सिमिलर और स्ट्रोंगर होना ही इम्पॉर्टेंट है ये नेचर इ इरिवोकेबल नेचर स्लॉफ क्योर पे बेस्ड है अब देखते हैं फोरिज्म एग्जाम फोर्टी नाइन वी शुड हैव बीन एबल टू मीट विथ मैनी मोर रियल नेचुरल होम्योपैथिक क्योर ऑफ दिस काइंड ऑन द वन हैंड द अटेंशन ऑफर ऑब्जर्वर्स हैव बीन मोर डायरेक्टेड टू देम और एंड ऑन द अदर हैंड इफ़ नेचर हैड नॉट बीन सो डेफिशिएंट इन हेल्पफुल होम्योपैथिक डिजीजेस हम ऐसी वी शुड हैव बीन एबल हम एबल होते हम देखने में सक्षम uh, होते ऐसी uh, क्योर को अगर रियल नेचुरल होम्योपैथिक क्योर को हम देख दे, और ज़्यादा देख पाते अगर ऑब्जर्वर uh, ऑब्जर्वर जो है उसका अटेंशन जो है ज़्यादा होता इन चीज़ों पे इनको देखने ज़्यादा ध्यान देता इन चीज़ों पे दूसरी चीज़ है कि इफ़ नेचर हैड नॉट बीन सो डेफिशिएंट नेचर इतना डेफिशिएंट नहीं होता मतलब नेचुरल डिजीज़ जो सिमिलर होती हैं वो बहुत कम है बहुत कम ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे स्मॉल पॉक्स और ये मीजल्स वाले जैसे कुछ ही एग्ज़ाम्पल है ना कि सिमिलर uh, uh, मिलते हैं जैसे स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स का हो गया इस तरह से बहुत सिमिलर मिलना नेचर में बहुत डेफिशिएंट uh, है मतलब ऐसी कुछ ही डिजीज़ हैं जो एक डिजीज़ दूसरी डिजीज़ से क्योर करती है तो अगर ज़्यादा डिजीज़ होती ऐसी नेचुरल डिजीज़ तो शायद अटेंशन भी ज़्यादा जाता ऑब्जर्वर का तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा ये देखने में नहीं मिलता है कि नेचर नेचुरल डिजीज़ जो है एक किसी डिजीज़ को नेचर क्योर कर रहा है क्योंकि ऐसी डिजीज़ की बहुत कमी है बहुत कम ऐसी डिजीज़ हैं जो सिमिलर हैं